बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख मेरे साथ हैं। संजय जी, अब तो चट मंगनी पट ब्याह, गठबंधन टूटा, नया बना और अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया। देखिए, जिस तरह से विश्वासघात की कहानी लिखी जा रही है और उस विश्वासघात के कारण बीजेपी और बिहार की जनता आहत है, मर्माहत है कि किस तरह से विकास पर कुठाराघात करके माननीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी बेमेल सरकार बनाई है जिसका दंश बिहार की जनता ने देखा है। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं, हम सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले लोग हैं और इसी कारण आज शाम में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रमुख नेताओं की बैठक माननीय जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय कार्यालय में होने जा रही है। क्योंकि बिहार के सवाल पर हम निरंतर खड़े उतरे हैं, बिहार की कसौटी पे खड़े उतरे हैं और बिहार की जनता ने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मतदान किया था। आरोप आप लोगों पर है कि आप लोग तो मुखिया को सम्मान ही नहीं देते, इसलिए वो भाग गए। नहीं, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। केवल सत्ता के फिराक में गठबंधन बदलना और बेमेल गठबंधन करना, बिहार के विकास के साथ मजाक करना, यह नियति हो गई है जनता दल यू और आरजेडी की। लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बिहार की जनता के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसीलिए बिहार के तमाम नेता आज केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सभी 243 सीटों पे कितने तैयार हैं? चूंकि आप तो अभी तक साथ में थे, तो कहीं ना कहीं हर जगह तो संसाधन होगा नहीं आपके पास। विकास के लिए सदैव तैयार हैं हम, बिहार के लिए सदैव तैयार हैं हम। शुक्रिया। कुमार गौरव, News 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।